लिफ्ट आगे एक्सीलेटर हाँ। मैं बता दूं अनुभव को बिहार का एक दिन का बहुत बहुत धन्यवाद आपका देने के लिए। ये देखिए ऊपर और इसमें एक सरप्राइज है अनुभव के लिए। थैंक यू वेरी मच। साग पूरी तो पूरी सब्जी है। इधर आइए। गर्मा गर्म पैटीज और ट्रेन भी अपनी निकल चुकी। हाजी क्या हालचाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 19609 उदयपुर सिटी योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 3 दिन चलती है, मंडे को, ट्यूसडे को और सैटरडे को। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से ये जो ट्रेन है ना, दोपहर में 1:45 पर निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 10:20 पर योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। वैसे ये ट्रेन कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है? 997 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 37 हॉल्ट के साथ तकरीबन 19 घंटे में। और आज इस ट्रेन में हम लोग की जो जर्नी है फिर से होने वाली है स्लीपर क्लास में। कोच है 3, सीट है 68-69। सीट है 68-69। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे और आज अनुभव के लिए बहुत ही स्पेशल डे है। और क्या स्पेशल है वो जर्नी के दौरान बताएंगे आप। ब्लॉग को पूरा देखिएगा। बिल्कुल। क्यों? अरे अरे ऐसा मत करो यार, ऐसा करेगा तो काम कैसे चलेगा। अब रोओगे तो फिर हम कैसे मुलाकात करेंगे तुमसे। रोना नहीं है ना। ये रेल लिख दीजिएगा तू। नॉर्मल ठंडा एक ठंडा एक नॉर्मल नहीं है भैया। कोई बात नहीं, नॉर्मल फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है। और कुछ लेना है? चिप्स वगैरह। चिप्स दे दीजिए। कौन सी? 10 वाली 20 वाली? 20 वाली लेज है ना। हाँ लेज है ना भैया। ये लो इंडियन मसाला। एक और दे दो इसके पीछे। मेरा ड्रीम था भैया के साथ जर्नी करने का और वो सब पूरा हो रहा है आज। मतलब भैया के साथ जर्नी कर रहा, मुझे यकीन मतलब नहीं हो रहा है। मैं एक एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहा है, जब ये आप पहली बार आए थे तो मुझे लगा नहीं था कि आपके साथ मैं जर्नी कर। आज मैं जो कुछ भी हूँ मतलब यहाँ तक पहुँचा अपने मम्मी पापा और भैया की वजह से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार कर रहे हैं और ये प्यार जो है सबके लिए ज़रूरी। आदित्य हैं जो कि उदयपुर से ही हैं, अनुभव के रिलेटिव, पापा के साथ ही आए हैं छोड़ने के लिए अनुभव को। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं लोकोमोटिव देखने के लिए, क्योंकि अनुभव का तो डिमांड था कि भाई मुझे लोकोमोटिव देखना है और टाइम भी अभी बचा हुआ है, तो सोच रहे हैं चलते हैं और लोकोमोटिव आपको दिखाते हैं। और ये भैया कल ही अपना चैनल ज्वाइन किए और ये कल ही अपने चैनल को ज्वाइन किए हैं। ये फंस गया ना जूता? नहीं जूता नहीं। क्या फंसा? नहीं कुछ। चलो एक बार बोल दीजिए। हेलो। तो अभी हम आ चुके हैं लोकोमोटिव के पास। कौन सी लोकोमोटिव है? WRT 7 गाजियाबाद का। गाजियाबाद का नंबर 30232। चलिए धूप काफी है, चलते हैं हम लोग अब अपने कोच में। वैसे इस ट्रेन में दिव्यांग कोच भी है, इंजन की तरफ से है लगा हुआ। अभी फिलहाल इसमें सिर्फ एक ही पैसेंजर है। गेट लगा हुआ। गेट आप लगा है? नहीं। अच्छा क्या होता है ना कि दिव्यांग कोच में, अभी तो ट्रेन निकलने में समय है, देखिए कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें जनरल लोग भी चढ़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि स्लीपर में ही ट्रैवल करेंगे। वैसे कोच तो अभी फिलहाल पूरा खाली है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन टिकट तो हम लोग स्लीपर में है। देखा जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो ये रहे अनुभव के अंकल जी, हाई कर दीजिए। तो ये छोड़ने के लिए आए अनुभव को और इनसे तो आपको मैंने मिलवा ही दिया। 1:46 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से।
तो कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं मावली रेलवे स्टेशन, मतलब मावली जंक्शन, जो कि इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट होगा। और अभी मेरे हाथ में एक बुक आपको दिख रहा होगा, बुक का नाम है चिड़ियों का स्कूल, जो कि बाल कविता संग्रह है। और इस बुक को लिखा है अनुभव ने, लिखा है, 8 महीने का समय लगा था ना लिखने में जी। इस बुक के बारे में क्या बताना चाहते हो बताओ? ये बुक जो है ये एक बाल कविता संग्रह जो भी, जैसा कि आपको पता है कि मैं दिव्यांग हूँ और साहित्य मेरे घर में सब साहित्य मोहल्ला, मेरी मम्मी भी लेखक हैं, तो मेरी मम्मी ने और मेरी नानी ने सब लोगों ने बचपन से मुझे भजन और लोरिया और जितनी भी साहित्य की कविताएं वगैरह सुनाया करती थी, तो फिर मुझे भी इसमें रुचि हुई और मैं फ़ोन पे ही अपनी रचनाएं करता था। मम्मी से फ़ोन ले लेता था, उसके बाद मैं अपनी रचनाएं करता था। और इस बुक को लिखने में मुझे 6 से 8 महीने लगे अभी, और ये बुक बहुत ही डिमांड में, आप लोग का बहुत डिमांडेबल है, मतलब बहुत डिमांड हो रहा है इस बुक का। 150 प्रिंट छपा था, 150 बिक गया है। अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो ये बुक जैसे ही अवेलेबल होगा तो इंस्टाग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा, आप ये बुक वहाँ से परचेज कर सकते हैं और अनुभव का बाल कविता संग्रह आप पढ़ सकते हैं। वैसे कुछ कविता इसका जो है वो NCERT के सिलेबस में भी डालने की बात हुई, अनुभव का लिखा हुआ कविता, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि 1-5 के बच्चे जो होंगे उनको, 1-5 के बच्चे पढ़ेंगे NCERT के बुक में अनुभव के कविता। और आप सभी को मैं बता दूं, अनुभव को बिहार का एक दिन का डिसएबिलिटी कमिश्नर भी बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? ये 2 साल पहले 2021 में बनाया गया था। वैसे भाई धूल काफी उड़ रहा है, स्लीपर में जर्नी कर रहे हैं, देख रहा डस्ट देखो कितना उड़ रहा है। तो भाई लगभग 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मावली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MVJ। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे मावली जंक्शन जो है ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 2:36 PM, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 5 मिनट बिफोर। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 47 ट्रेन्स आकर रुकती है। अगर आप मावली आते हैं तो यहाँ का फेमस स्वीट्स है रबड़ी, वो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे हर स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं रबड़ी और अनुभव को भी ट्राई करवाते हैं। कैसे भैया रबड़ी? 20 की देना, पैसा इधर रखे हुए, अभी 2 इधर दे रहे हैं। अनुभव है? ये मावली का फेमस रबड़ी है, पकड़ो, रखिए रखिए रखिए, ये भी पकड़िए। यहाँ का फेमस है? हाँ यहाँ का फेमस है, मेरे साथ जर्नी कर रहा है तो हर जगह फेमस चीज़ ना खिलाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। देखो थोड़ा खा के, कैसा लगा? टेस्ट की बात करें तो एवरेज एवरेज है। 20 रुपये में दिया, 20 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी सही है? हाँ, एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए सही है। और छोटे कटोरे में देते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, क्वांटिटी सही है मेरे हिसाब से, एवरेज है। चलिए ठीक है, हम भी खाते हैं, अनुभव को एवरेज लगा, हम भी वैसे टेस्ट करके बता ही देते हैं भाई हमको कैसा लगा। ये देखिए ये रहा, मोनू भाई को तो अच्छा लगेगा, उनको मीठा पसंद है। मीठा पसंद है, अब खाना कम कर दिया है मीठा थोड़ा। ठीक है, तो भाई अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुंचने का टाइम है 2:55 PM, और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुंची है 10 मिनट बिफोर। कितना हुआ? ले लीजिए,
301 रुपये। तो ये पकड़िए, चेंज नहीं आपके पास? 150 रुपया है चेंज? कितना है? 200 नहीं, 200। अच्छा चलिए ठीक है, ये 50 रुपये टिप ले लीजिए। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देने के लिए। ठीक है, अंदर आना अलाउ नहीं है ना? नहीं नहीं सर। ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ठीक है, जा रहे हैं। वैसे लास्ट जर्नी में भी हमने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन कवर किया था भाई। सुबह में 3:30 बजे के लगभग आए थे हम लोग चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड किए इस ट्रेन में, और इसमें एक सरप्राइज है अनुभव के लिए। अनुभव को नहीं पता है कि इसमें है क्या, क्योंकि अनुभव के लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है, तो उसी स्पेशल डे को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ भाई, मिल गया मिल गया, हाँ हाँ ठीक है ठीक। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:20 और कुछ देर पहले हम लोग चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन क्रॉस किए हैं, और मेरे पास ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में केक है। और केक किस लिए? तो भाई बात ऐसा है कि आज अनुभव की मम्मी का बर्थडे है, और इसके बारे में मुझे पता चला था, आज सुबह में ही पता चला कि बर्थडे है, तो हमने सोचा क्यों ना केक मंगाया जाए और बर्थडे को ट्रेन में सेलिब्रेट किया जाए। और अनुभव के लिए भी ये स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है, और पहली बार अनुभव मम्मी का बर्थडे ट्रेन में सेलिब्रेट करेगा, और पहली बार शायद ऐसा भी होगा कि बर्थडे के दिन अनुभव मम्मी के पास नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना उनके बर्थडे को थोड़ा सा यादगार किया जाए ट्रेन जर्नी के दौरान, क्योंकि अनुभव फ़िलहाल अभी मेरे साथ है। तो सबसे पहले तो सार्थक को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भाई इस केक को ऑर्गेनाइज़ करवाया, काफ़ी मेहनत लगाया। वैसे केक वगैरह डिलीवर करना स्टेशन के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन स्टेशन के बाहर जाके हमने लिया, सार्थक ने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया। सार्थक कौन? तो आपको पता होगा प्रयागराज का है, मेरा दोस्त है। तो सारा चीज़ मतलब ये जो केक का क्रेडिट है ना, उसी को जाता है। बहुत बहुत थैंक यू सार्थक भाई। तो अभी क्या है कि केक वगैरह कटिंग करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ केक कैसा है। रेडी, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनुभव बहुत मिस कर रहा है आपको। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना, बस घर पे आके मारना मत। नहीं मारेगी मम्मी, डोंट वरी। अब रुक जाओ, चलिए केक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी पैसेंजर में, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। भीड़ है। तो अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन में। जो भी सीट खाली था इसको इसमें पूरा भरने वाला है। ये देखिए ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आराम।
सो अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन रुकी हुई है सरेरी रेलवे स्टेशन पे लगभग 10 मिनट से, पता नहीं शायद किसी ट्रेन का क्रॉसिंग वगैरह है। वैसे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे ये देखिए दिस इज फॉर अनुभव। थैंक यू वेरी मच। क्या गुलाब है? गुलाब नहीं है, गुलाब नहीं है। अभी हमारे साथ ताऊ जी जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे खाना है साग पूरी जो कि अजमेर रेलवे स्टेशन पे मिलता है। साग रोटी कहाँ मिलेगा यार? नहीं मिलेगा ना, साग पूरी है क्या? कैसी है? एक प्लेट दे दीजिए। आप बोले कि साग साग पूरी तो पूरी सब्जी है। इधर आइए, इधर आइए। बैठ के खा लीजिए, हम जाते हैं, ठीक है? खाइए आराम। लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट, अजमेर जंक्शन। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे अपनी ट्रेन का अजमेर रेलवे स्टेशन पे पहुँचने का टाइम है 7:20 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 7:30 पे। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कम्पोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो उदयपुर सिटी योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन जो है, हाँ ठीक है, तो योग नगरी ऋषिकेश उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल क्लास, 6 स्लीपर क्लास, 4 थर्ड एसी और 1 सेकेंड एसी कोच के साथ। अब मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप स्ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इन टू इट, मतलब उदयपुर सिटी से योग नगरी ऋषिकेश तक अगर ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 480 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 1300 रुपया। अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा 1870 रुपया। वैसे अनुभव ये बताओ कैसा लग रहा है जर्नी करके? भैया थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि हमारी सेकेंड लास्ट जर्नी है, मतलब इस फेज की सेकेंड लास्ट जर्नी। अब अगर ऑडियंस आपको डिमांड करती है आगे और अगर आपको भी मतलब साथ जर्नी करके अगर मजा आ रहा है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जर्नी करना, आपकी जो चैनल की जो ऑडियंस है वो चाहती है कि अगर हम लोग साथ में जर्नी करें कोई भी ट्रेन में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ में हम लोग। और एक और बात कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इंडिया साथ में कवर करे कि न। अरे भाई तुम बोल दिया, लोग कमेंट करके भर देंगे पूरा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये मैं सपना है, सपना है तो सपना पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और कमेंट करके बताइए कि जो हमने दिव्यांग कोच का जो कंटेंट डाला था, अगर पब्लिक वो भी देखना चाहती तो वो भी कमेंट करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी चीज़ भी देखना है इसके साथ, जो भी जर्नी देखना है कमेंट करके जरूर बताइएगा,
और इसका बस एक और सपना है कि भाई विवेक एक्सप्रेस भी कवर करना है और इसके अपने बर्थडे पे पूरी भी जाना है। तो ये दो चीज है, इस दोनों को कोशिश करेंगे पूरा करने का, इसलिए भैया को पहले से बोल के रखा है। हाँ हाँ, वो तो बोल के रखा है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:20 और अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और सिग्नल भी हो चुका है भाई। अभी हम बाहर आ गए जस्ट, वैसे खाना पीना जो है ना अपना हो चुका है। खाना क्या है कि इस ट्रेन में हमने आपको बोला था साइड पेंट्री है, लेकिन साइड पेंट्री नहीं है, अनऑथराइज वेंडर आकर खाना सेल करते हैं, वो भी ओवर प्राइस पे विदाउट बिल। ठीक है, जो भी ट्रेन हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें मतलब भैया को पेंट्री का खाना नसीब ही नहीं हुआ, नसीब नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। कोई नहीं, वैसे अगर इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि भाई इस ट्रेन से ना खाना मत ऑर्डर कीजिएगा। ठीक, ऑर्डर कहने का मतलब कि जो बोलते हैं अपने आप को कि साइड पेंट्री के स्टाफ हैं, वो है नहीं एक्चुअली, अनऑथराइज वेंडर है, तो उनसे खाना नहीं परचेज़ कीजिएगा, घर से खाना लेके आइए। वैसे घर से हम लोग थोड़ा बहुत खाना लेके आए थे, वही खाए हैं और अब सोने की तैयारी होगी। बांदीकुई जंक्शन के बाद हम लोग बेड वगैरह लगाएंगे और सो जाएंगे। सो रहा है, गुड नाइट। गुड नाइट, सोने से पहले प्यार करते हैं। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 930 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 30वां हॉल्ट, रुड़की रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RK, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का और हम लोग की ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 2 घंटा डिले। रुड़की जो है ये उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अपनी ट्रेन का ना रुड़की में पहुँचने का टाइम था 7:23, लेकिन हम लोग 2 घंटा डिले पहुँचे हैं और हम लोग की ट्रेन अलवर तक लगभग पंक्चुअल थी, उसके बाद लगातार डिले होते ही गई। तो चलिए अब क्या है कि सुबह सुबह देखते हैं यहाँ पे रुड़की रेलवे स्टेशन पे चाय वगैरह मिलता है तो लेते हैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि क्या है कि ट्रेन के अंदर तो कुछ मिल नहीं रहा है। पैटीज दी, 4 पैटीज दीजिएगा। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने ले लिया ये गर्मा गर्म पैटीज और ट्रेन भी अपनी निकल चुकी है। टाइम कितना हो रहा है तुमको पता है? टाइम कितना हो रहा है? 9 बज रहा है। 9:35 हो गया, अभी तक सो रहा है तुम? नींद एक नंबर है। क्यों सो रहा है तुम? नींद एक नंबर है। नींद एक नंबर आया, चलो ठीक है, इसलिए सो रहा है। कोई नहीं, अभी पैटीज लाए हैं, कुछ खा लो। अगला रेलवे स्टेशन पर उतरना है हम लोग को, पता है ना हरिद्वार में उतरना है, टाइम नहीं है ज़्यादा, कुछ खा लो उसके बाद निकलते हैं हम लोग बाहर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो चलिए चलते हैं हम लोग बाहर, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन जाती है ऋषिकेश तक, चल पकड़ो। या वजह नहीं ना लग रहा है। बस यही करेगा, होटल में क्या करेगा है? इसको सही हो गया ना, लिफ्ट है क्या उधर जाने के लिए? लिफ्ट आगे सिर्फ एक्सीलेटर है।
है, व्हील चेयर चला जाएगा ना। 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, और इसके बाद ट्रेन ये जा रही है अपनी लास्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश की ओर, और कोच लगभग हरिद्वार तक खाली हो जाता है। बस गिने चुने पैसेंजर ही हैं कुछ जो अभी फ़िलहाल ट्रेन में हैं। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुँचाई है 1 घंटा 45 मिनट डिले। वैसे अपनी ट्रेन का हरिद्वार में पहुंचने का टाइम था सुबह के 8:30, लेकिन हम लोग यहाँ डिले पहुंचे। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि भाई ये जो ट्रेन है उदयपुर सिटी योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है, नहीं साइड पेंट्री है। अनऑथराइज वेंडर के द्वारा खाना वगैरह सेल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा खाना वगैरह आप लेके आइएगा। साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई जो है इस ट्रेन का उतना बढ़िया नहीं है। 24 घंटे में 2 बार साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे में 1 बार भी साफ सफाई नहीं हुई। तो ये था इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस। और हाँ भाई, बहुत क्राउड था इस ट्रेन में, RSC सीट वाले बहुत सारे वेटिंग पैसेंजर वो बोर्ड किए हुए थे। जब से भैया मेरे जर्नी करे उनको सीट नसीब नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सीट तो मिल ही जाएगा, आज ना कल तो मिलेगा। हालांकि अगर हम लोग पहले से प्लान किए रहते तो मिल जाता, लेकिन हम लोग का प्लान अचानक से हुआ, इस वजह से सीट, इसको तो सीट मिल ही रहा, हमको नहीं मिल रहा। कोई नहीं, अभी फिलहाल यहाँ से हम लोग अभी निकलने वाले हैं बाहर हरिद्वार में, 2-3 होटल में स्टे करेंगे, और अभी जाएंगे सबसे पहले चेक इन करके जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। हाँ। तो आज की जर्नी को यही रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और लगता है इस तरह भाई के साथ जर्नी करते हैं। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।